हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और मैं यहाँ पे सारे काम करके बैठी हुई थी और झाड़ू पोछा हमारे घर के सुबह के जो काम होते हैं सारे हो चुके हैं। और उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी थी तो हमें लगा चलो मैं थोड़ी सी तैयारियाँ कर लेती हूँ यहाँ पे। तो सब्जी यहाँ पे मैं छील के रख लेती हूँ। और आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बादल आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा आ गए हैं और धूप बिल्कुल नहीं है। तो गर्मियों में इस तरीके के मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मौसम में, और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इसकी वजह से मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए और फिर यहाँ पे हमें लगा मैं सब्जी बनाने की तैयारियाँ कर लेती हूँ। जितनी देर मैं बैठी रहूँगी उतनी देर में कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लौकी, यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि लौकी ऐसे बना दो तो बच्चे नहीं खाते हैं, और इस तरीके से कोफ्ते इसके बना दो तो अच्छी तरीके से खा लेते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीज इसके अलग होते जा रहे हैं और ये जो लौकी है वो अलग होती जा रही है। बस इसी तरीके से मैं सारी लौकी कद्दूकस कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे सारी लौकी हमारी कद्दूकस हो चुकी है और जो बीज और थोड़े से छिलके मैं उसी कद्दूकस में मैंने रख लिया है। और यहाँ पे मैं गाय के लिए दे देती हूँ, तो यहाँ पे आयुष गाय के लिए दे रहा है। और गाय को इतने समय हम लोग धूप आ जाती है तो छाया में बांध देते हैं, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो इसकी वजह से ये यहीं पे बंधी हुई है। और फिर उसके बाद में मैं कर लेती हूँ तैयारियाँ यहाँ पे मसाले पीसने की। तो क्या है कि लाइट चली जाएगी फिर दिक्कत होगी, तो इसकी वजह से हमें लगा चलो मैं नहाने के पहले यहाँ पे मसाले पीस लेती हूँ। तो मसाले यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, तो आज जो है मैं खड़े मसाले पीस रही हूँ। तो मिर्च तो वैसे पीसनी पड़ती है तो हमें लगा चलो मैं धनिया भी इसी में डाल लेती हूँ, और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ हैं, थोड़ा सा प्याज है, और थोड़ी सी हल्दी मैंने पिसी हुई डाल ली हुई है। तो ये देखिए मसाले हमारे पीस के रेडी हो गए हैं। और इस तरीके से मसाले पीस लो फिर ताज़े हो जाते हैं, तो इसकी सब्जी जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर दी है और उसके बाद में मैं अभी जो है चलूँगी, कुछ काम है हमको। तो ये देखिए यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ और ये जो बिस्तर गर्म है इनको पहले से मैंने भिगो के रख दिया था। ये कथरी है जो से होती है बिछाने वाली है, तो ये गंदी हो रही थी तो हमें लगा चलो मैं इसको साफ करके डाल देती हूँ। तो सुबह मैंने भिगो दिया था और इसको जो है मैं ऐसे ही पैरों से ऐसे ही मसल मसल के मैंने इसको साफ कर दिया है, क्योंकि इतनी ये वजन है तो मैं हाथ से नहीं धुल सकती थी। इसकी वजह से हमें जैसे सही लगा वैसे ही मैंने इसको अच्छे से धुल दिया है। और यहाँ पे चादर है और कुछ कपड़े और भी हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज मौसम अच्छा है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैंने कुछ पुराने कपड़े निकाल लिए हैं जो मैंने रिजेक्ट किए हुए थे। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कपड़े, मतलब इस जो कपड़े मैंने रिजेक्ट कर दिए थे तो मैं उनको पहनूंगी दोबारा से, लेकिन इतनी गर्मी में जितने ज़्यादा पुराने कपड़े होते हैं उतने कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि पुराने कपड़े जो होते हैं उसमें गर्मी नहीं लगती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे दो कुर्तियाँ हमारी थी तो ये काफ़ी पुरानी थी और कहीं कहीं से थोड़ी सी फटी हुई हैं, तो हमें लगा चलो मैं इनको धुल के डाल दूँगी और ये सूख जाएंगी तो गर्मियों में पहनने के लिए हो जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे ये फूल कितना अच्छा खिला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो पौधा होता है इसको कहीं भी लगा दो ये आराम से हो जाता है। और बस यहाँ पे लाइट आ रही थी तो हमें लगा चलो यही काम मैं कर लेती हूँ पहले, नहीं तो ये जो गदरी है यानी कि ये जो बिस्तर है तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, और फिर नीचे इतनी वजन है नीचे ले जाओ धुलो फिर ऊपर लेके आओ। तो इसकी वजह से हमें लगा लाइट जाने से पहले ही मैं इसको धुल के यहीं पे डाल देती हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े हमारे धुल चुके हैं और दो तीन पानी में मैं ऐसे ही धुल धुल के ऐसे अच्छे से मैं डाल दूंगी। तो ये देखिए कितनी वजन है, और बस इसको मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूंगी। इसको धुलने में हालत ख़राब हो गई है और इसको काफ़ी मैंने साफ़ करके धुला हुआ है। वैसे तो मैं इस पर कवर वगैरह चढ़ा देती हूँ, खोली होती हैं वो चढ़ा देती हूँ, लेकिन इस बार ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है तो ये गंदी हो रही थी। तो यहाँ पे कपड़े हमारे धुल चुके हैं क्योंकि सुबह से अभी मैं काम ही कर रही हूँ, अभी मैंने नहाया नहीं है। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े मैं सुखा देती हूँ और उसके बाद में मैं दूसरा काम करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ। और वो जो पौधा मैंने आप लोगों को दिखाया जिसमें फूल खिले हुए थे, तो वो पौधा ये अपने आप से जगा हुआ है इसमें, तो हमें लगा चलो मैं इसकी जो डाली होती है वो तोड़ के मैं दूसरे गमले में लगा देती हूँ, क्योंकि ये गमला ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है।
तो इसमें लगा दूंगी तो ये आराम से हो जाएगा। और पानी इसमें रोज देना पड़ता है, रोज सुबह सुबह हम लोग डाल देते हैं पानी, नहीं तो पौधे एक दिन में ही सूख जाएं। और ये देखिए ये चुन्नी हमारी, जब से मैंने इसको लिया हुआ है तब से इसका कलर इतना ज़्यादा छूट रहा है कि इसका कलर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है जब से मैंने लिया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चुन्नी ख़राब भी हो गई है, लेकिन गर्मियों में कहीं जाओ तो फिर बांध लो, फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है, धूप भी नहीं लगती है। तो बस यहाँ का काम हमारा ख़त्म हो गया है और मैं नीचे चलूँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी इनको खाना भी बनाना है, तो इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और मैं अब आ गई हूँ नीचे, क्योंकि अब मैं सीधे चलूँगी बाथरूम की तरफ, क्योंकि मैं अब नहा लूँगी और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और बस मैं नहा के आ गई हूँ, यहाँ पे मैं कोफ्ते की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, खाना भी हमारा जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो ये देखिए लाइट भी आई, सारे काम हमारे लाइट से होते जा रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है आ रही काफ़ी ज़्यादा, इससे आराम है, नहीं तो गैस भी नहीं है, गैस ख़त्म हो जाएगी, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है, चूल्हे में तो फिर बना नहीं सकते हैं गर्मियों में खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बस यहाँ पे पकौड़ियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ तड़का। तो तड़के पे मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया हुआ है और थोड़ा सा प्याज लहसुन, और यहाँ पे जो मसाले मैंने पीस के रखे हुए थे वो, तो जब ये मसाले हमारे पक जाएंगे बस इनको मैंने कवर किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी है, इसको भी मैं डाल देती हूँ, इससे खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और उसके बाद में मैं इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जो ग्रेवी के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है, इतनी हमको ग्रेवी चाहिए। बस खाना हमारा बनके थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ग्रेवी में आ गया है बॉइल, फिर मैंने इसमें डाल दिया है पकौड़ियाँ जो हमने बना के रखी हुई थी, और बस थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढकूंगी। और ये देखिए खाना हमारा बनके रेडी हो गया है, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगले किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।